ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के कुशल संचालन हेतु आजमगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें आजमगढ़ नगर पालिका से तेज बहादुर यादव, मुबारकपुर से श्रीमती साहिबा अंसारी, बिलरियागंज से मिर्जा शाह, आलम बेग, निजामाबाद से नदीम खान, फूलपुर से मोहम्मद आबिद, माहौल से तुफैल अहमद, सरायमेर से राम नारायण यादव, मेहनगर से हरेंद्र सिंह, कटघर, लालगंज से रामानंद सागर, महाराजगंज से काजी अकलुरहमान, जैनपुर एवं अजमतगढ़ से राणा खातून, अतरौली से अंजलि पांडेय, बुढ़नपुर से विनीत रंजन, जहानागंज से जावेद मंदे, मार्टिनगंज से मुरारी राय को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालन समिति के अध्यक्षगण अपनी कमेटी गठित कर 3 दिन के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्याशियों के चयन के लिए प्राप्त आवेदनों पर तेजी से मंथन चल रहा है। शीघ्र ही अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। सुनिए, आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव के कुशल संचालन हेतु कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने चुनाव संचालन हेतु चुनाव संचालन समिति के अध्यक्षों की नियुक्त की है, जिसमें आजमगढ़ से तेज बहादुर यादव, मुबारकपुर से साबिया अंसारी, बिलरियागंज से मिर्जा सानिया आलम बेग, निजामबाद से नदीम खान, फूलपुर से मोहम्मद आबिद, माहुल से तुफैल अहमद, सरायमीर से राम नारायण यादव, मेहनगर से हरिंदर सिंह, कटघर लालगंज से रामानंद सागर, महाराजगंज से काजी जियाउल रहमान, जियनपुर से और अजमतगढ़ से राणा खातून, अतरौलिया से अंजलि पांडे, बूढ़नपुर से विनीत रंजन, जहानागंज से जावेद मंदे, मार्टिनगंज से मुरारी राय। इन सभी चुनाव समिति के अध्यक्षों को जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर वो अपनी कमेटियां गठित कर जिला कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएंगे और आजमगढ़ जनपद में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है।